देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में झारखंड के सदस्यता अभियान प्रभारी जवाहरलाल महथा की अध्यक्षता में बैठक किया गया। यह बैठक संथाल परगना सहित पूरे प्रदेश में संगठन मजबूती को लेकर किया गया था। बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में कांग्रेस के द्वारा 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमें उम्मीद है कि देवघर जिले में कम से कम 1 लाख सदस्य कांग्रेस बनाएगी और पार्टी को मजबूत करने में देवघर का अपना अहम योगदान रहेगा। वहीं ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति ने कहा कि 31 मार्च तक पूरे देवघर जिले में 1 लाख से अधिक कांग्रेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्य बनेंगे और हम उस लक्ष्य के करीब है। लक्ष्य तो हम लोग बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। आपके जिला अध्यक्ष बताएंगे कि कितने हमें दे रहे हैं। वो हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ जितना भी हो सके 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का हम लक्ष्य लेके आए हैं। अब यहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बताएंगे कि कितना वो हमें दे रहे हैं। पूरे झारखंड में कितना लक्ष्य है? देखिए, पूरे झारखंड का मेरा जो मंडल है उसमें मैं लगभग ये मान के चल रहा हूँ कि 8 से 10 लाख का लक्ष्य है। समय सीमा क्या है? 31 मार्च तक हमारे सदस्यता का। जो हमारे झारखंड प्रभारी हैं डॉक्टर अविनाश पांडे जी, उनके निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, कृषि मंत्री बादल जी, जो सभी का निर्देश किया गया है कि झारखंड को 15 लाख कम से कम सदस्य बनाना है झारखंड से हम लोगों को, तो उसी को दिशा निर्देश पालन करते हुए हम लोग पूरे प्रदेश भर में गति देने के लिए सदस्यता अभियान का आज बैठक हो रहा है। यह दो तरह से बनेगा सदस्य, एक तो डिजिटल बनेगा और दूसरा ऑफलाइन बनेगा जो फॉर्म रसीद से भरा जाएगा। दोनों मिला के हम लोग को टारगेट दिया गया झारखंड को कि 15 लाख सदस्य बनाना है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 लाख से ऊपर सदस्य बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।